नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। एक पुत्र को नाबालिग लड़की से मोहब्बत करना उसके पिता को महंगा पड़ा। जी हां, क्योंकि पुलिस ने युवक के पिता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लड़की के पिता ने थाना में FIR दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जो कि पुत्र का करतूत पिता के जीवन को दागदार बना दिया है। आगे की खबर आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रांड की बात हो या फैशन की, हर रंग के हर साइज के कलेक्शंस, जी हाँ, खुल गया झंझारपुर में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम फैशन हब। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स उपलब्ध हैं व सभी कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर उपलब्ध हैं, जैसे कि ड्यू, जॉकी, माइक्रोमैन, मोंटी कार्लो, स्पार्की, फाइल, किलर, लिवाइस, रूपा, कोठारी, यूरो, कीपल, हेलो ब्रदर, क्लिबर, कैरियन, कायरोन, पाश, वेस्टर्न, गर्ल ड्रीम गर्ल, हे बेबी, ऑन, सिमी ऑनली गर्ल, क्लब मरीनो इत्यादि उचित दामों पर उपलब्ध है। साथ ही लेडीज के लिए इंडियन ड्रेस से लेकर वेस्टर्न ड्रेस, सारे कपड़े एक रिजनेबल प्राइस पर उपलब्ध। हमारा पता है आनंद कृष्णा मार्केट, नियर मोहना, NH 57, झंझारपुर। आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9304915617 और 9431007586। मधुबनी जिले के अरेड़ थाना अंतर्गत मुठेर पंचायत स्थित नरही गांव के रहने वाले राजेंद्र मंडल के पुत्र चंदन मंडल ने लोहा गांव के एक लड़की को अपहरण कर लिया। बताया जाता है कि चंदन मंडल अंजलि नाम के नाबालिग लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता था। इन दोनों का प्रेम कथा करीब 9वीं और 10वीं कक्षा से ही चल रहा था और अब 12वीं पास करते ही दोनों अपना अपना घर छोड़कर फरार हो गए। 17 अक्टूबर के दिन दोनों लड़का लड़की कॉलेज जाने के नाम पर घर से निकले और फिर उसके बाद घर वापस नहीं आए, जिसके बाद घर परिवार के लोग काफी खोजबीन की मगर कहीं भी आज तक पता नहीं चल पाया। हालांकि चंदन मंडल के माता बेटे की वियोग में दिन रात बेचैन है, आज भी अपने बेटे चंदन मंडल का राह देख रही है। मगर ऐसा चंडाल बेटा निकला कि जो घर परिवार को एक बार भी याद नहीं किया गया है। वही चंदन मंडल के चाचा महेंद्र मंडल ने भी लड़की के पिता अनिल शाह पर अपहरण करके हत्या करने का आरोप लगाया है। हमारा भतीजा चंदन मंडल जो भतीजा है 12वीं क्लास में ऊपर रहा था, लेकिन पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहाँ 17 तारीख को से गायब है वो। और 17 से पहले एक लड़की है अनिल शाह नाम का, जो मिठाई का दुकान लोहा चौक पे करता है ना, उसका लड़की है। तो सारे सब एक क्लास में पढ़ते थे, उसका लड़की भी गायब है, हमारा लड़का भी गायब है। लेकिन वो कह रहा है बार बार जो कि तुम लोगों ने किडनैप किया, लेकिन हम लोगों ने किडनैप नहीं किए हैं। आज से 2 महीना तक होने जा रहा है, लेकिन ढूंढ ढूंढ करके थाना तक खबर की है, SP कलेक्टर तक खबर की है, कोई सुनवाई नहीं लेने को तैयार है। सर, हमारा बेटा कहीं मर भतीजा मरा मार तो नहीं दिया इन लोगों ने? और लड़की का बाप माँ हमारे पास 2 बार यहाँ पे घर पे आए, बार बार आता है, कहता है जो तुम लोगों ने छुपा रखा, लेकिन हम लोगों ने आज तक अभी तक तलाश करते करते ढूंढते ढूंढते हर रिश्तेदार के पास पहुँच चुके, लेकिन कहीं नहीं मिल पा रहा। लड़की के पिताजी को ले गए थे हमारे पास जितने रिश्तेदार था सबके पास हमने ले गए, लेकिन लड़की का बाप ने अभी तक हमें उसके रिश्तेदार जहाँ कहीं नहीं ले गया हुआ है। हमें क्या उसने छुपा रखा है अपना बेटी को? हमें लड़का को मार तो नहीं दिया हमसे? और धमकी हमारे 17 तारीख दिवाली से पहले हमारे बेटा को धमकी दिया था वहाँ पे भतीजा को, दुकान पे लोहा चौक के मिठाई का दुकान है अनिल शाह का, वहाँ पे धमकी दिया है हम तुम्हें मार देंगे। तो सर उसके बाद से गायब है, हम थाना पुलिस हर जगह हम ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं कोई थाना तक एक्शन लेने को तैयार नहीं है। उल्टा हमारे पर इल्जाम लगा रहे तुमने छुपा रखा है, उस चक्कर में हमारे भाई साहब को जेल कर दिया है। कौन? वो थाना ने किया हुआ है, मैंने उनके ऊपर केस था। हम उनके ऊपर केस कर दिया था अनिल शाह ने, हमारे भाभी पे, हमारे भाई पे, हमारे बच्चा पे, और उसी बेस पे हमारे भाई साहब को उठा कर ले गया जेल। अब ये धमकी दे रहा बार बार, वो थाना वाले कह रहा है जो कि हम आपको भाभी को ही उठा लेंगे, वो तो मरने को तैयार, वैसे भी देख रहे हैं जो कि कैसे है वो, आज है कल नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा महेंद्र मंडल नाम है। ऐसी ही जानकारी के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।